देखिए ये सर्व सभी लोगों ने देखा, जिले की स्थिति उस समय क्या थी। पूरा जो है बैजनाथ दुबे जी का मकान छावनी में तब्दील था, कलेक्ट्रेट का गेट बंद था, हम लोगों को हर तरफ से रोका जा रहा था। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अंचल श्रीवास्तव। जिला पंचायत चुनाव में गोंडा में जो हालात बने कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट निर्विरोध निर्वाचित हुआ और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने नामांकन नहीं किया, क्या हालात बदले, कैसे हुआ, क्यों ऐसा हुआ, इसके लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बर्खास्त जिला अध्यक्ष आनंद स्वरूप और पप्पू यादव जी हैं। मैं उन्हीं से बात करता हूं कि क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण है कि आप लोगों ने नामांकन नहीं कराया। हम लोग नामांकन कराने के लिए अपने पूर्व विधायक बैद्यनाथ दुबे जी के आवास पे अपने जिले के सभी नेतागण, सभी पूर्व विधायक, मंत्री इकट्ठा हुए थे और जैसे ही हम लोग वहाँ से नामांकन करने जाने तो तब जाने की तैयारी किए, तब तक पूरा बैद्यनाथ दुबे जी का मकान पुलिस ने और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और ऐसी नौबत आ गई कि फौजदारी की संभावना हो गई थी। और हमारे जो प्रस्तावक और वो थे अनुमोदक, उनको हम तक पहुंचने ही नहीं दिया गया, उनको रास्ते से ही गायब कर दिया गया और 3 बजे के बाद ही उन लोगों से हम लोगों से बात हो पाई। चर्चा तो ये है कि आप लोग लोभ में पड़ गए और नामांकन नहीं होने पाया। देखिए ये सर्व सभी लोगों ने देखा, जिले की स्थिति उस समय क्या थी। पूरा जो है बैद्यनाथ दुबे जी का मकान छावनी में तब्दील था, कलेक्ट्रेट का गेट बंद था, हम लोगों को हर तरफ से रोका जा रहा था। लेकिन अब जब जो है हम लोगों का दाखिला नहीं हो पाया प्रशासनिक वजह से, तो प्रशासन कहे या कोई भी कहे वो उनकी बात है, हम लोग किसी लोभ में किसी लालच में नहीं थे। पर्चा पूरी तरह तैयार था, ऊपर रिपोर्ट दे दी गई थी, हम लोगों का कैंडिडेट भी चयन था, कोई तैयारी में कोई कमी नहीं थी। फिर जब कोई गलती आप लोगों की नहीं थी, उसके बावजूद अखिलेश यादव ने आप लोगों को बर्खास्त कर दिया। देखिए वो 11 जनपदों के अध्यक्षों को बर्खास्त किए, कोई उसमें हम ही अकेले नहीं हैं। उनका कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका कोई मतलब रहा होगा किस कारण से किए, ये वही बता सकते हैं। लेकिन ये हम लोगों का उसमें तैयारी में या दाखिला करने में कोई ढिलवाई नहीं थी। तो अब आप बर्खास्त हो गए हैं, तो क्या अपनी बात अपने राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचाएंगे? नहीं, पत्र के माध्यम से तो हम पहुंचा चुके हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब भी चाहेंगे तो हम लोगों को बुलाएंगे और हमें आशा है कि हम लोगों की बात जरूर सुनेंगे और हम लोग उनसे मांग करेंगे कि हम लोगों की कोई गलती नहीं है, प्रशासनिक वजह से हुआ है और हम लोगों को पुनः बहाल किया जाए। जिस तरीके से मंडल में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष निर्विरोध हुए, इस पर आपका क्या नजरिया है? आपने बलरामपुर में भी सुना होगा कि हमारे कैंडिडेट को, प्रस्तावक को समाजवादी पार्टी के पुलिस ने अपनी गाड़ी में बैठाया और 3:30 बजे तक वो बलरामपुर के बाहर बाहर घुमाते रहे, नारेबाजी हुई समाजवादियों के तरफ से और धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन प्रशासन 3 बजे तक के बाद तक हमारे कैंडिडेट को, प्रस्तावक को बलरामपुर में पहुंचने तक नहीं दिया। आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से सत्ता और शासन का सहयोग लिया तब इलेक्शन जीता? ये तो दिखाई दे रहा है, आप लोगों के चैनलों पे खुद दिखाई दे रहा है। हमारे किसी जिला पंचायत सदस्य का घर गिराया जा रहा है, किसी के यहाँ उसका कारखाना तोड़ा जा रहा है, किसी जिला अध्यक्ष का मकान नापा जा रहा है। तो सरकार ने तो पूरा नंगा नाच किया है जिस तरह से, और ये 3 तारीख तक करते रहेंगे, क्योंकि डेली हम जो है हम लोगों को मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग जहां भी जिला पंचायत सदस्य और कैंडिडेट लड़ रहे हैं, उनको प्रशासन पूरी दबंगई के साथ, पूरी गुंडागर्दी के साथ दबाने में लगा है। तो आपने देखा कि ये बर्खास्त जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के पप्पू यादव थे, जिन्होंने पूरी तरीके से दोषारोपण किया कि भारतीय जनता पार्टी ने शासन और सत्ता का दुरुपयोग करके ये इलेक्शन जीता है। अंचल श्रीवास्तव, यूपी तक।